आपसे कोई दूर जा रहा है इसके 10 लक्षण या 10 टिप्स मैं इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो आपसे वो दूर जा रहा है, आप में से रुचि निकाल रहा है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। नंबर एक, आजकल उसने कम बोलना चालू किया, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, आपने बोलना चालू किया, थोड़ा हाँ में हाँ मिलाता है या सुनता कम है, और टाल देना चालू करेगा, कुछ तो भी टॉपिक निकाल लेगा, और आपको सुनना कम है और बोलना भी कम है, खुद होके बोलेंगे नहीं। नंबर दो, आपके आजू बाजू में जो रहेगा या आप उसके आजू बाजू में रहेंगी या रहेंगे तो एक अलग तरीके से वो बिहेव करेगा, आपको टालना है, आपसे दूर जाना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं मिलाना, इधर उधर देखना है या और कोई बहाना बना के कोई तो भी नया काम निकालना। नंबर तीन, कॉल्स करना कम कर देता है आपको, खुद होके कॉल्स नहीं करेगा, पहले कॉल करता था, आजकल कॉल नहीं कर रहा है खुद होके, हाँ आपने कॉल किया तो उठा लेगा, खुद होके कॉल नहीं करेगा। नंबर चार, आपको कोई सवाल नहीं करेगा, क्यूरियोसिटी रहती है, सवाल पूछते रहते हैं, खाना खाया है, किसको मिले, बिजनेस में क्या हो रहा है, पढ़ाई किया है कि नहीं किया, कोई ड्रेस किया क्या, शॉपिंग किया, ऐसे क्वेश्चन हम पूछते रहते मिलने के बाद में, तो प्रश्न जो है वो खुद होके सवाल जवाब ऐसा कुछ करेगा नहीं, आपने पूछा तो उसको हाँ में हाँ ना में ना ऐसा करते जाए। पाँच, खुद होके रेस्पॉन्स नहीं देगा, मतलब आप रिस्पॉन्स ना टालेगा, आप कोई व्हाट्सएप भेजते मैसेज भेजते कॉल करते तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा जल्दी, बहुत लेट करेगा, बोले हाँ याद ही नहीं रहा, मैं करने वाला ही था, मैं तो कॉल करूँगा ही, डेफिनेटली नहीं काम में बिजी होगा इसलिए कॉल किया नहीं, तो ऐसे खुद होके रेस्पॉन्सिव नहीं रहता है। नंबर छः, आपके जीवन में आना वो छोड़ देता है, मतलब आपने बोला चलो पिक्चर जाते हैं, घूमने जाते हैं या मिलते हैं आओ, तो वो टाल देगा और कुछ ना कुछ बहाने बना के आपके जीवन में आएंगे नहीं, आपके एसोसिएशन में आना वो कम कर देगा। नंबर सात, आपकी दी हुई अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर रहा है, टाइम दिया है कॉल करने का या टाइम दिया है मिलने का, तो एंड टाइम पे कुछ तो भी बहाने बना के कॉल कैंसिल, मिलना कैंसिल, बोलेगा नहीं मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया, नहीं फिर उसका फ़ोन आ गया था, नहीं फिर इसका फ़ोन आ गया था, मुझे ये करना था, ऐसे करके कॉल कैंसिल करेंगे, अपॉइंटमेंट कैंसिल करें। नंबर आठ, अपना प्लान अलग तरह से बनाएंगे, आपको बोलेंगा भी नहीं या बोलेंगी भी नहीं कि भाई मेरे प्लान ऐसे है, खुद होके प्लान बना देना और वो एग्जीक्यूट करना, या फिर बाद में आपको बोलना कि ऐसा प्लान है मेरा, मैं ऐसा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और फिर आपको जमता है तो चलो नहीं तो मत चलो भाई, तो इसके आपका प्लान अलग रहेगा और वो प्लान से चलेंगे अपने। नौ, प्रायोरिटीज बदल जाएंगे, आप उसके पहले प्रायोरिटी आप थी या आप थे पहली प्रायोरिटी, नहीं कुछ भी होगा तो पहले आपको पूछेगा या पूछेंगी, अभी वो प्रायोरिटी रही नहीं, अभी प्रायोरिटी अलग हो गई, प्रायोरिटी अभी बिजनेस होंगी, प्रायोरिटी स्टडी होंगी, प्रायोरिटी पेरेंट्स होंगे, प्रायोरिटी और कुछ होगा, वो प्रायोरिटी नहीं है, मतलब वहाँ से वो ऑपरेट नहीं करेंगे कि नहीं पहला फर्स्ट यू ऐसा नहीं है, वो प्रायोरिटी बदल जाती है। नंबर दस, आजकल नए नए दोस्त उसके जीवन में आना चालू हो गए या दिख रहे हैं, नए कॉल्स, नए कॉन्टैक्ट्स, नए लोगों से आपने दिखना ये चालू हो जाता है, तो नहीं ऐसे ही मिल गए, नहीं एक्सीडेंटली मुलाकात हो गई ऐसा बोलेगा या बोलेंगी, तो आपको दिखेगा यार नए लोग इसके जीवन में आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये ऐसे 10 साइंस हैं या 10 लक्षण हैं जिससे क्या आपको पता चलेगा कि ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, ये येलो अलर्ट्स है, येलो अलर्ट मतलब इशारे हैं, ये इशारे यदि आप ख्याल में रखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा आगे ब्रेकडाउन होने वाला है और वो हिसाब से आप प्लान करेंगे। थैंक यू। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।